नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। फिलहाल समालखा विधानसभा में मौजूद हूं। एक खबर आई अभी कि टिकट फाइनल कर दिए गए हैं कुछ उम्मीदवारों के, कुछ के बचे हैं। फिलहाल समालखा विधानसभा से मनमोहन बढ़ाना का टिकट फाइनल हुआ है। और जो मेरे आंकड़े थे, मैं पहले कहता था कि मनमोहन बढ़ाना का टिकट हो सकता है, मैं कई बार चर्चा करता था इस चीज़ की। फिलहाल ये हकीकत में बदल गई है जो मैंने अंदाज़ा लगाया करते थे हम। फिलहाल समालखा विधानसभा के पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ यहाँ पर। अभी मनमोहन बढ़ाना यहाँ पहुँचेंगे। और समालखा विधानसभा की अगर बात करूँ, हरियाणा में नंबर वन हॉट सीट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से एक दबंग विधायक धर्म सिंह छोकर और मनमोहन बढ़ाना के बीच में मुकाबला होने वाला, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है। फिलहाल अब क्या कुछ माहौल है, क्योंकि मनमोहन बढ़ाना जो 5 राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, वो अब यहाँ पर अपना किस तरीके का दमखम दिखाएंगे, क्या लगता है यहाँ से जो ये सीट है बीजेपी निकाल पाएगी, जो बीजेपी ने मनमोहन बढ़ाना पे विश्वास जता पाया है, क्या उस चीज़ पे खरा उतर पाएंगे, क्या मनमोहन बढ़ाना यहाँ से जो है विधायक बन पाएंगे। फिलहाल मैं हाईवे पे मौजूद हूँ, माइक दे दो जी। ओ यार, ये तो बात रिकॉर्डिंग नहीं। फिलहाल मैं हाईवे पे मौजूद हूँ और कुछ चर्चाएँ करूँगा। उस तरफ ढोल नगाड़ों के साथ में चर्चाएँ हो रही हैं और रात का टाइम है, लगभग 9 बजे का टाइम है और 9 बजे मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और गवाणा की बात करूँ, हरस सिकारा जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर अरविंद शर्मा को टिकट गया है जो कि पूर्व सांसद है रोहतक से। तो आइए मैं एक बार चर्चा में दिखाता हूँ आपको किस तरह का माहौल है बढ़ाना के इस कार्यालय पर, बढ़ाना के इस कोठी पर। इस परली साइड में बढ़ाना साहब की कोठी है और यहाँ पर करतार सिंह बढ़ाना भी यहाँ पर पहुँचेंगे, उनसे भी मैं बातचीत करूँगा। फिलहाल ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर जो है मनमोहन बढ़ाना का स्वागत किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक खास और बात, जब से देश आज़ाद होया है यहाँ पर बीजेपी सीट नहीं निकाल पाई है, और बीजेपी सीट नहीं निकाल पाई, आप देख सकते हैं कितनी वोट सीट है। क्योंकि यहाँ पर जब 2019 का चुनाव मैंने देखा था, यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँचे, अमित शाह यहाँ पर पहुँचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे, पर अब कौन कौन यहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि एक महीने का मेरी स्टेटमेंट है। मोहन अभी हमारे साथ मौजूद हैं, समालखा से ही हैं, बातचीत करें। सीताराम आर्य जी, सीताराम जी क्या कुछ कहोगे, मनमोहन बढ़ाना का टिकट हो गया आज? देखो जी, इस परमात्मा की खुशियाँ से हमें सब कुछ दे रहा है, परमात्मा आशीर्वाद भी दे रहा है, हमारे को बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं जी। बाबा के जाते हैं, खेड़ा बोलते हैं जी, खेड़ा बाबा के भी जाते हैं हम, श्याम बाबा के भी जाते हैं, कृष्ण भगवान के जाते, सब देव देवता को सब पूछते हैं हम जी। उनके आशीर्वाद से आज बस बहार इतनी आई है, सबके दिलों में खुशियाँ खुशियाँ जी। मतलब शब्द नहीं रहे हैं खुशियाँ की, ऐसे शब्द नहीं, मैं क्या इस्तेमाल करूँ जो कि मैं, मेरे पास शब्द नहीं ऐसे जो आपको मैं कुछ कह सकूँ जी। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए जी। लोग कहते हैं ये होगा, हम किसी की निंदा नहीं करते, किसी नेता की भी, किसी की भी निंदा नहीं करेंगे। अच्छा जी, सीताराम जी, कितना प्यारा नाम है आपका, सीता और राम, इतना पवित्र आपका नाम है। आप ये और बताइए, अब की बार का जो चुनावी मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, और मैंने अपने दर्शकों से बताया जब से देश आजाद हुआ यहाँ से बीजेपी सीट नहीं निकाल पाई है, किस तरह से देखते हैं जो 5 राज्यों में चुनाव लड़ने वाले जिनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके का चुनाव यहाँ पर होगा? ऐसे सब आदमियों का मान सम्मान करेंगे जी, जितने भी 36 बिरादरी का जी, और सब देव देवताओं को सबको मानते हैं जी। सुबह उठकर परिक्रमा लगाते हैं 101 जी, परमात्मा के प्रति आस्था बहुत बड़ी है इनकी। ये कहते हैं मानव से बड़ी कोई चीज नहीं जिंदगी में जी, मानव की सेवा करो, मानव का सम्मान दो, इससे बड़ा कुछ नहीं होता जी। हम मानव की सेवा करेंगे, 24 घंटे हाजिर रहेंगे इस कोठी के ऊपर, जब भी आएंगे, किसी की सुख दुख है उसकी जो हमारे जो उसकी मदद करेंगे। कोई स्टूडेंट जैसे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है भाई, उसकी मदद करेंगे, कोई अमीर हो या गरीब हो, जैसे कोई आएगा तो उसकी पूरी मदद की जाएगी। तो इन्हें कहने का मतलब ये है कि भाई हमारा कार्य धर्मयुक्त होना चाहिए, है ना, वो चीज़ समझ सकते हैं। अब मैं और कुछ लोगों से बात कर लूँ, स्कूलों और बोलता हूँ। अच्छा जी, आज स्कूलों के बड़े सुधार करेंगे जी हम, सबसे बड़ी बात तो हम स्कूलों के बड़े सुधार करेंगे जी। शिक्षा जो वैसे हैं उनको हम करवाएंगे। सीताराम जी, स्कूलों की चर्चा करेंगे हम। फिलहाल ये जो नज़ारा है, हाँ जी, जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं, हाँ जी, अच्छा, जो और कैंडिडेट थे, जो उम्मीदें लगाए बैठे थे,
शशिकांत कौशिक जी से, संजय छोकर थे, तमाम जितने कैंडिडेट थे, क्या लगता है वो आपके साथ जुड़ेंगे? हमें तो जी परमात्मा से पहले जो श्याम बाबा गए थे ना जी, जब ही प्रकट हो गए थे श्याम बाबा, कहने लगे आपकी टिकट है और आप मैदान में आइए और आप लड़िए और आशीर्वाद रहेगा मेरा। श्याम बाबा बोले आप मेरा इतना बड़ा कर्म कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है जी। आज तक किसी ने भी MLA ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी ने आज तक नहीं किया जी। अच्छा और कौन सा बोले आप बोलोगे, कहाँ से आप? मेरा नाम रवि है, मैं करंस गांव का रहने वाला हूँ। करंस गांव? हाँ जी। ये भी पास में है सर? हाँ, पिछला गांव मेरा है, मेरा खेत भी इनके पीछे लगता, दीवार से दीवार लगती मेरी। अच्छा भाई, क्या हो गया आज, टिकट हो गया बढ़ाना का? टिकट बढ़ाना का हो गया जी, हमें बहुत ज्यादा खुशी है। आप देख सकते हो साइड में, उस साइड में देखो आप कितने सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, थोड़ी देर में भाई साहब आने वाले हैं। आप आगे क्या, ये देखो भाई मनमोहन बढ़ाना यहाँ पर पहुँच गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस टाइम की तस्वीरें जो है, किस तरह से जो है लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में ये चर्चा हो रही है। और देखिए, ये देखिए खुशी का माहौल, जिस तरह से जो है मनमोहन बढ़ाना का जो स्वागत किया गया, ये देखिए इस वक्त की तस्वीरें, मनमोहन बढ़ाना यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये देखिए मनमोहन बढ़ाना को देखिए, ये देखिए जबरदस्त माहौल है, ये देखिए मनमोहन भाई मनमोहन का किस तरह के स्वागत किया गया। और ये देखिए ये देखिए उदाहरण का नाम नहीं ले रहे, इतना जबरदस्त जो स्वागत है इनका। ये फिलहाल ऐतिहासिक तस्वीरें ये देखिए आप, ये देखिए, बात करते हुए फिलहाल इस तरफ कर लें, कुछ लोग और से बात कर लें बाद में कर लें हम। और यहाँ पर पहुँच गए हैं और एक कार्यकर्ता भी यहाँ पर, पूरी टीम पहुँच गई है फिलहाल, उस तरफ से बातचीत करेंगे। ये भाई साहब आए हैं साथ में, देखो फूल ले रहे हैं, फूल ले रहे हो, कहाँ से आए हो? टिकटले जी, टिकटले से? हाँ जी। ये भाई साहब देखो चुलकाना से आए हैं, पीछे नहीं रहना चाहिए भाई, ये भाई साहब इतनी जबरदस्त मेहनत करते हैं। भाई साहब क्या कहोगे आज, आज मतलब शब्द नहीं है कुछ भी, मतलब कहने जरूरत नहीं, आप खुद देख सकते हैं भाई। और ये देख थोड़ा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी गांव का कैंडिडेट है भाई साहब। हाँ जी, देखो गांव से है भाई, हाँ पूरे गांव से है जी, पूरा गांव मेरा यहीं प्यार है भाई साहब, इंतजार में का माहौल है बात, तो बस खुशी है, नहीं इतना तो अपनी खुद की शादी में महसूस हुआ जितना आज खुशी हो रही है। खुद की शादी में इतना खुशी नहीं जितना आज इसमें टिकट मिलने में खुश हो गया। देखो ये करंस गांव का सरपंच है, ये मसरौली गांव का सरपंच, मसरौली का अरे सरपंच है, मछरौली गांव से सरपंच भी है हमारे साथ आज पहली बार कैमरे पे। हाँ जी, पूरा सरपंच। हाँ जी, मछरौली गांव। आप तो कहीं ना कहीं भी पक्ष वाले के गांव से ही हो, क्या कहोगे आज? भाई आज खुशी का माहौल है, देख रहे हैं आप ढोल नगाड़ों से भैया का स्वागत हो रहा है। और ये जनता का प्यार है, संभाल खाल कहेगी जनता का प्यार है, आज पहली कामयाबी मिली है और भगवान ने चाहे तो आशीर्वाद मिलेगा, जनता का कमल खिलेगा आपकी बार संभाल खा में। इस तरह की उम्मीदें थी, आप मानते थे कि पहले भी बढ़ाना साहब? हाँ जी, हमें पूरा विश्वास था कि भाई मनमोहन सिंह बढ़ाना की टिकट है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये तस्वीरें देखो आप, अरे भाई साहब ये ना करो, बोल बढ़ो, आप तो एक युवा हो, साथ दे रहे हो धन से, क्या कुछ कहोगे आज जो टिकट होया है? मतलब इतनी उम्मीदें थी कि बढ़ाना साहब का टिकट होगा, उम्मीद पूरी थी। हाँ। बढ़ाना साहब का टिकट है, उस दिन ही फाइनल हो लिया था जिस दिन ही आए थे, पूरी उम्मीद थी, पार्टी ने पूरा विश्वास जताया। अरे अब की बार है, देखो लड्डू ला भाई, बजी बस देसी ना, मैं भी ले लूँ थोड़ा सा, लेकिन भाई आप भी खाओ। हाँ जरूर जरूर, ले आसू भाई, ये खुशी का माहौल, देखो भाई मारते ले, ले भाई, ले भाई, ये देखो, ये देखो कार्यकर्ताओं में इतनी खुशी की लहर, ले सर साहब, ले वाह जी वाह, धन्यवाद, ये देखिए वाह जी वाह। फिलहाल लड्डुओं के साथ साथ ये मिठास, ये क्या कहता है? फिलहाल अभी चुनाव का असली दौर आज स्टार्ट हुआ है, इस तरह एंडिंग करता हूँ थोड़ी सी वीडियो के कुछ शब्दों को कहते हुए। चुनाव का दौर आज असली स्टार्ट हुआ है, किस तरीके का चुनाव होगा,
क्या लोग सोच रहे हैं, क्या ज़मीनी सतह पर क्या बात चल रही है, उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा बात में फिर आप भी थोड़े से हो जाओगे, लेकिन मिलता हूँ दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में मनमोहन बढ़ाना के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।